डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर भगत सिंह, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय कन्या महाविद्यालय बारा, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बीए तृतीय वर्ष प्रश्न पत्र द्वितीय इकाई तृतीय के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति 2009 से लेकर वर्तमान समय तक का अध्ययन करेंगे। 2009 में अमेरिका के राष्ट्रपति बराक हुसैन ओबामा थे और वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। आज हम बराक ओबामा के कार्यकाल में अमेरिका की विदेश नीति और डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल में अमेरिका की विदेश नीति के विभिन्न पहलुओं और घटनाओं के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। राष्ट्रपति बराक ओबामा और अमेरिकी विदेश नीति 2009 से लेकर 2017 तक। राष्ट्रपति बराक ओबामा अमेरिका के दो बार राष्ट्रपति रहे, दो शासनकाल था, 2009 से 2013 तक प्रथम शासनकाल और 2013 से 2017 तक उनका द्वितीय शासनकाल रहा। उनकी नेतृत्व में अमेरिकी विदेश नीति के विभिन्न पहलू हैं या उनकी विदेश नीति की प्रमुख सीमा चिन्ह हैं। ईरान के प्रति नरम और सौम्य दृष्टि। अमेरिका के राष्ट्रपति ने ईरान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और ईरानी नववर्ष नौरोज के अवसर पर ईरान की जनता को दिए संदेश में ओबामा ने ईरान के राजनीतिक नेतृत्व से बातचीत की इच्छा व्यक्त की, क्योंकि अमेरिका ये जान चुका था कि इराक में पूर्ण रूप से शांति बहाली के लिए ईरान का सहयोग अपरिहार्य है। यानी इराक में पूर्ण शांति ईरान के सहयोग से ही हो सकती है और अफगानिस्तान में भी तालिबान को ईरान की मदद के बिना मात नहीं दी जा सकती। जैसा कि आप जानते हैं कि ईरान पश्चिमी एशिया का एक महत्वपूर्ण देश है, जो जिसकी सीमाएं इराक के साथ भी लगती हैं, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान के साथ भी लगती हैं, और इराक और अफगानिस्तान दोनों में ही अमेरिकी नेतृत्व में सेनाएं वहाँ आतंकवाद को कंट्रोल करने के लिए लड़ाई लड़ रही थी। ओबामा ने राष्ट्रपति बनने के बाद ही ये संकेत दिए कि अगर ईरान परमाणु गतिविधियों पर रोक लगा दे तो वे ईरान से सीधी बातचीत कर सकते हैं। एशिया के प्रति लचीला नज़रिया। अमेरिका के विदेश मंत्री ने 15 से 22 फरवरी के दौरान जापान, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया और चीन की यात्रा की। पिछले लगभग 50 सालों में हिलेरी क्लिंटन अमेरिका की ऐसी पहली विदेश मंत्री हैं जिन्होंने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए एशिया को चुना। और हिलेरी का वास्तविक उद्देश्य चीन की यात्रा का था। एशिया में जापान अमेरिका का सबसे घनिष्ठ मित्र है। अपनी यात्रा की शुरुआत टोक्यो से करके हिलेरी ने जापान में उस वर्ग की चिंता दूर करने का प्रयास किया जो राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान हिलेरी द्वारा अमेरिका चीन रिश्तों में मजबूती लाने को वकालत को लेकर आशंकित हो उठे थे। हिलेरी क्लिंटन ने दक्षिणी पूर्वी एशिया में न केवल अमेरिका के जापान के साथ मजबूत रिश्तों को दृढ़ किया, अपितु चीन के साथ भी अमेरिका ने महत्वपूर्ण
संबंध स्थापित किए, क्योंकि उत्तरी कोरिया को चीन के द्वारा ही नियंत्रित किया जा सकता है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के प्रति नया दृष्टिकोण, राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अफगानिस्तान को बचाने और पाकिस्तान को उबारने के लिए नई नीति की घोषणा की, जिसके तहत अफगानिस्तान में 30,000 अतिरिक्त फौजी भेजे गए। इसके अलावा 4,000 फौजी सुरक्षा कर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिए और आर्थिक दिवालियेपन से उबारने के लिए वाशिंगटन इस्लामाबाद को 5 साल तक मदद देगा, जो चालू मदद की 3 गुना है। और पाकिस्तान के प्रति ये नीति के आपको ये जो सहायता है, इसका इस्तेमाल आतंकवाद को नियंत्रित करने के लिए आप करेंगे। और अफगानिस्तान में ओसामा बिन लादेन और जो तालिबान का प्रभाव था, उसको कैसे न किसी प्रकार से कमज़ोर किया जाए, भारत के प्रति सकारात्मक नीति, अमेरिका की विदेश मंत्री क्लिंटन 2009 में 5 दिन के दौरे पर भारत आई और भारत अमेरिका संबंधों को घनिष्ठ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। यात्रा के दौरान ज़्यादा जोर द्विपक्षीय संबंधों पर ही रहा। वार्ता में राजनीतिक, आर्थिक, व्यापार व सांस्कृतिक संबंधों को और गहरा बनाने की कोशिश की गई। हिलेरी की कार्यसूची में 2 प्रमुख विषय थे, भारत पाक बातचीत के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान करें, जहां तक भारत अमेरिका परमाणु सौदे का प्रश्न है, परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं करने वाले देशों को परमाणु ईंधन देने पर प्रतिबंध की G8 की घोषणा पर श्रीमती क्लिंटन के स्तर पर स्पष्टीकरण मांगना नया मुद्दा था। भारत उन 4 देशों में शामिल है जिन्होंने उक्त संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, इसलिए संदेहों को दूर करना जरूरी हो गया। भारत व अमेरिका के बीच सामरिक वार्ता का पहला दौर 4 जून 2010 को वाशिंगटन में संपन्न हुआ। नवंबर 2009 में ही भारतीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अमेरिका की 4 दिवसीय यात्रा पर रहे और उनकी राष्ट्रपति ओबामा से वार्ता के बाद 6 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। वैश्विक सुरक्षा का विस्तार व आतंकवाद से मुकाबला, सूचनाएं साझा करना व क्षमता निर्माण, शिक्षा और विकास, स्वास्थ्य, आर्थिक व्यापार एवं कृषि एवं हरित सहयोग, ओबामा ने 2010 में भारत की यात्रा की और 45 सदस्यीय नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह में भारत की पूर्ण सदस्यता के लिए अमेरिकी समर्थन की घोषणा की। उन्होंने भारत के लिए सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता हेतु अमेरिकी समर्थन की भी घोषणा की। अतः राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में भारत के प्रति अमेरिका के संबंध मजबूत हुए। अमेरिका रूस शिखर बैठक में परमाणु शस्त्रों की संख्या में कटौती का नया समझौता, अमेरिका व रूस के राष्ट्राध्यक्षों में जुलाई 2009 को मॉस्को में वार्ता हुई और इस शिखर वार्ता की सबसे बड़ी उपलब्धि परमाणु हथियारों की कटौती संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर रही। इसके अंतर्गत 31 जुलाई 1991 को हस्ताक्षरित स्टार्ट स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी संधि के स्थान पर इस नए समझौते पर हस्ताक्षर दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने किए। कहने का तात्पर्य यह है कि अमेरिका और रूस ने जो सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य जो तनाव शीत युद्ध के दौर में रहा,
और उसमें जो परमाणु शस्त्रों की होड़ लगी उसको धीरे धीरे कम कर कटौती करके विश्व में शांति स्थापित करने की दिशा में दोनों राष्ट्रों ने जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में भूमिका अदा की। नाभिकीय सुरक्षा सम्मेलन परमाणु शक्ति के अवैध प्रसार तस्करी व आतंकवादियों के हाथ ये पड़ने से उत्पन्न खतरों से सुरक्षा पर विचार हेतु 12 से 13 अप्रैल 2010 को वाशिंगटन में 2 दिवसीय नाभिकीय सुरक्षा सम्मेलन संपन्न हुआ और परमाणु आतंकवाद के खतरे का संज्ञान लेते हुए भारत सहित 47 देशों ने परमाणु प्रौद्योगिकी या सूचना के अवैध हाथों में पड़ने से रोकने व इस क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रभावी सहयोग का संभावित सम्मेलन में भाग लिया। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम की समाप्ति की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने 1 सितंबर 2010 को इराक में तानाशाह सद्दाम हुसैन से मुक्ति दिलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र की अनुमति से अमेरिका द्वारा चलाए गए ऑपरेशन इराकी फ्रीडम की समाप्ति की घोषणा की। अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन को का मारा जाना संयुक्त राज्य अमेरिका में 9/11 के आतंकी हमले का मास्टरमाइंड व अलकायदा सरगना ओसामा बिन लादेन अंततः 2011 की मध्यरात्रि में पाकिस्तान मारा गया और इस ऑपरेशन की सफलता की घोषणा स्वयं राष्ट्रपति ओबामा ने की। इस प्रकार राष्ट्रपति बराक ओबामा के समय अमेरिका की विदेश नीति न केवल एशिया अपितु एशिया के पश्चिमी एशिया अपितु दक्षिण पूर्व एशिया में भी बराक ओबामा की विदेश नीति ने चीन से जापान से भारत से ईरान से संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी विदेश नीति 2017 से वर्तमान समय तक 2017 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने और डोनाल्ड ट्रंप की जो विदेश नीति थी वो राष्ट्रवाद को प्रमुखता लिए हुए थी जिसमें अमेरिका फर्स्ट नीति का आरंभ किया गया कि सबसे पहले अमेरिका है और इस दिशा में संरक्षणवाद चाहे संरक्षणवाद हो चाहे शरणार्थियों की समस्या हो ये तमाम पहलू थे जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए शरणार्थियों की समस्या का निदान मानवाधिकार राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए शरणार्थियों की समस्या का निदान यानी डोनाल्ड ट्रंप के समय अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रमुखता दी गई और डोनाल्ड ट्रंप ने माना कि जो अमेरिका और मैक्सिको की सीमा है मैक्सिको से जो इलीगल अवैध रूप से शरणार्थी आ रहे हैं और अमेरिकन अर्थव्यवस्था पर बोझ हैं उनको कैसे भी इलीगल जो शरणार्थी हैं उनको वापस मैक्सिको भेजा जाए क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। इस दौरान मानवाधिकारों की जो नीति थी वो दोयम दर्जे की रही। संरक्षणवाद संरक्षणवाद का मतलब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समय अमेरिका ने संरक्षणवाद की नीति को प्राथमिकता दी कि अमेरिका में जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं प्राइवेट नौकरियां हैं उन पर पहला अधिकार अमेरिकन लोगों का है और जो एशिया चाहे भारत के लोग हों चीन के हों जो विदेशी हैं जो अमेरिका से बाहर के हैं उनको भारत अमेरिका में आने से रोका जाए। कहने का तात्पर्य है कि जो वैश्वीकरण का पक्षधर था अमेरिका उसने स्वयं ने ही संरक्षणवाद की नीतियों को प्रश्रय प्रदान किया। भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप
कि शासनकाल में और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ने ही भारत अमेरिका के संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए और डोनाल्ड ट्रंप भारत आए, भारत की यात्राएं की और दोनों ने वैश्विक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए और अपने राष्ट्रहितों को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण संबंध स्थापित किए, मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। भारत के लिए पाकिस्तान और चीन से उत्पन्न खतरों को ध्यान में रखते हुए अमेरिका से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना जरूरी है। तो अमेरिका और चीन ट्रेड वार में जो चीन को नियंत्रित करने के लिए एशिया में अमेरिका का भारत महत्वपूर्ण भागीदार हो सकता है। दोनों के राष्ट्रहितों को ध्यान में रखते हुए भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना की गई। अमेरिका चीन ट्रेड वार, जैसा कि वर्तमान समय में देख रहे हैं, कोरोना संकट के पश्चात और भी अमेरिका चीन ट्रेड वार गहरा हो गया है, क्योंकि जो व्यापार असंतुलन है वो चीन की तरफ झुका हुआ है। अमेरिका ज़्यादा चीन से माल आयात करता है और अमेरिका चीन को कम निर्यात करता है। इस दिशा में डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के विभिन्न वस्तुओं पर अत्यधिक मात्रा में शुल्क लगा दिया। वर्तमान में भी अमेरिका चीन ट्रेड वार को देखा जा सकता है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर दबाव बनाने की नीति, इस दौरान अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम कंट्रोल करने की दिशा में कार्य किया। आतंकवाद को नियंत्रित करने की दिशा में पाकिस्तान पर दबाव बनाने की नीति, अमेरिका ने बार बार पाकिस्तान को आगाह किया और ये मान भी लिया कि पाकिस्तान आतंकवाद का स्पॉन्सर्ड है। आतंकवाद पाकिस्तान द्वारा कहीं ना कहीं प्रायोजित है, इसलिए पाकिस्तान पर लगाम लगाने के लिए भारत से महत्वपूर्ण संबंध स्थापित किए। पश्चिमी एशिया में ISIS जो कि एक आतंकवादी संगठन है उसको समाप्त करने की नीति, चाहे वो इराक हो, सीरिया हो, सब में ISIS को समाप्त करने की नीति राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रही। इजराइल को प्राथमिकता, फिलिस्तीन इजराइल या मध्य पूर्व में फिलिस्तीन इजराइल संघर्ष में इस दौरान इजराइल को प्राथमिकता प्रदान की गई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो विदेश नीति है उसका हम विश्लेषण करके देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो अमेरिकन राष्ट्रवाद से प्रेरित दिखाई देती है, जिसमें अमेरिका फर्स्ट नीति का जो प्रारंभ किया गया और आक्रामक विदेश नीति का इस्तेमाल किया। अमेरिकी विदेश नीति मूल्यांकन, प्रसिद्ध अमेरिकी राजनयिक जॉर्ज कैनन ने बार बार कहा था, अमेरिकी विदेश नीति घड़ी के पेंडुलम की भांति एकांतवास व हस्तक्षेप के दो छोरों पर झूलती है। यह बात एशिया, लेटिन अमेरिका, अफ्रीका और यहाँ तक कि यूरोप में अमेरिकी नीति पर अच्छी तरह लागू होती है। वैसे अमेरिका की विदेश नीति अधिकांश देशों को या तो अधीनस्थ बनाने या उसका प्रभाव रोकने की रही है, जबकि आदर्श स्थिति समायोजन की होनी चाहिए। यानी अमेरिकी विदेश नीति में अमेरिका के राष्ट्रहित सर्वोपरि रहे हैं और इसे भारत पाकिस्तान के संदर्भ में भी देखा जा सकता है कि जहां उसको शीत युद्ध के दौर में रणनीतिक रूप से पाकिस्तान उनका प्रमुख साझेदार था, तो वर्तमान में 9/11 की घटना के पश्चात, 2001 की घटना के पश्चात पाकिस्तान से दूरी बना करके भारत से अपने मैत्रीपूर्ण संबंधों को सुदृढ़ किया है।
इस आधार पर कह सकते हैं कि अमेरिका की जो विदेश नीति है उसके लिए अमेरिका के राष्ट्रहित सर्वोपरि रहे हैं। धन्यवाद।